कि अपने चैनल गोल्स अचीवर में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं सॉल्यूशंस नहीं करा रही हूँ, अभी सिर्फ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिससे जब हम एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करें, जब हम उन टॉपिक्स को पढ़ें तो आप अच्छी तरह से समझ पाए ये वाले टाइप के क्वेश्चन आने हैं या नहीं आने हैं। और एक बार सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी करवाऊंगी इस पूरे पेपर के। ये है आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एयरपोर्ट ऑपरेशंस वाला जो पेपर हुआ था उसका, या फिर आप एटीसी वाला पेपर है, ये जो जेई वाला ये उसका है, एयरपोर्ट ऑपरेशन वाला दूसरा था। तो ये एटीसी वाला पेपर है जो कंडक्ट हुआ था आपका 26 दिसंबर 2015 को, और इसका ये शिफ्ट 2 का पेपर है। जो इसकी शिफ्ट 1 का पेपर था वो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, आप प्लीज वहां से देख लीजिएगा, और उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अभी फिलहाल मैं इस पेपर को स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चंस हैं और इसमें आंसर मार्क्ड है ऑलरेडी। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ वेक्टर, ये ऑप्शंस हैं, इसमें से टॉर्क सही आंसर है। जो शिफ्ट 1 का पेपर है उसमें भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन था, वेक्टर क्वांटिटी पूछी थी, उसमें एरिया करेक्ट ऑप्शन था। तो आप देखेंगे कि सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये तो सेम उस वैसा ही क्वेश्चन है जो कल वाले पेपर का क्वेश्चन था। एंड इसमें क्या है, जो मैंने आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी उसमें जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो उन्हीं टॉपिक में से है, और ज्यादातर क्या बल्कि मैं कहूंगी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, जो 7-8 चैप्टर फिजिक्स के मैंने आपको बताए हैं, एक भी क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आया है। तो अभी जब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी तब आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आप कितनी इजीली कर लेते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये ग्रेविटेशन से है, ग्रेविटेशन भी मैंने आपको बताया है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आप देख लीजिए एक बार पूरा पेपर, मैं आपको पूरा पेपर का ओवरव्यू दे देती हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये सेम क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में भी था, शिफ्ट 2 में भी है, शायद अपोजिट कर दिया है, जो ऑप्शंस दिया है वो क्वेश्चन में था और क्वेश्चन जो है वो ऑप्शन में था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्नोट इंजन का भी सेम क्वेश्चन आपका आया हुआ था आपके फर्स्ट शिफ्ट में। ये वेव्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्वेश्चन 100% आता है हर साल, मतलब जब भी एग्जाम कंडक्ट हुआ है, चाहे वो एटीसी है या वो एओ है, इसमें से क्वेश्चन तो आता ही आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ये इस तरह का क्वेश्चन भी था, उसमें शायद स्कॉर्पियन दिया हुआ था, 8 लेग्स वाला कुछ, वो पूरा 8 लेग्स का ही। देखिए स्कॉर्पियन, इसमें भी स्कॉर्पियन ही दिया है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी भी आ ही रहे हैं। 2018 में जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें भी सेम इसी टाइप के क्वेश्चन थे, तो कुछ अलग नहीं आता है। आप एक बार इसको, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी एग्जाम में, आप उसको अच्छे से देखिएगा तो आपके सेम ही आपको मिलेगा, देख आपके सारे क्वेश्चन जरूर से आप एग्जाम में कर पाएंगे। ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड में से क्वेश्चन है, ये आपका एटॉमिक, जो एटॉमिक वाला चैप्टर है फिजिक्स में, उसमें से क्वेश्चन है आपकी पैकेजिंग के ऊपर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, चैप्टर में से अगेन द क्वेश्चन इज, ये आपका लॉज ऑफ मोशन में से, लॉज ऑफ मोशन में से नहीं एक्चुअली क्वेश्चन, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसका फिगर देखे कि लॉज ऑफ
ऑप्शन वाले क्वेश्चन पेपर में थे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो SHM में से है। ये SHM का क्वेश्चन है, उसमें भी इस तरह के फिगर्स होते हैं कुछ एक दो जगह पे जहाँ स्ट्रिंग वगैरह का दिया जाता है, ये उसमें से है क्वेश्चन, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन नहीं है। आप रख सकते हैं लॉज ऑफ मोशन में भी इसको, बट ये मेनली क्वेश्चन SHM का है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। मैग्नेटिक फील्ड में है, आपकी बहुत सी इक्वेशंस दी हुई होती है, उस इक्वेशन में से है ये मैं आपको सब पढ़ाऊंगी, नो नीड टू गेट वरी कि कहाँ से करेंगे, सिलेबस बहुत ज़्यादा रैंडम है तो मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी, कोई आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग किताबें खरीदने की नीड नहीं है इसमें। ये अगेन वेव्स वाले चैप्टर में से है आपका, मैं थोड़ा फास्ट आपको दिखा देती हूँ इसको, आप देख लीजिए। आप चाहे तो इसको पॉज कर करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और पॉज करके चाहे तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं, सॉल्व करके देख सकते हैं। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं, आपको कितना पढ़ने की अभी और नीड है। ये लंडन इक्वेशन सुपर कंडक्टर वाले चैप्टर में से, यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो गया है। मैथ में डिफरेंशिएशन से आ जाता है आपका, मैंने आपको बताया है मैथ्स में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो कैलकुलस वाला चैप्टर है, जो आपका बीटेक का मैथ्स या BSc ग्रेजुएशन लेवल के जो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादातर आपके कैलकुलस वाले चैप्टर में से है, और उसमें से भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें से बहुत क्वेश्चन है, या फिर जो एक न्यूमेरिकल मेथड करके एक चैप्टर होता है जिसमें आपको कुछ सॉल्यूशन के मेथड्स दिए हुए होते हैं उसमें से भी कई क्वेश्चंस हैं। ये कन्वर्जेंट सीरीज, आप ये सीरीज के जो होते हैं सिक्वेंस इन सीरीज का कि डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है सीरीज आपको बतानी होती है, एंड दैट टू इज नॉट द जो आपका ट्वेल्थ में सिक्वेंस इन सीरीज का चैप्टर है, सो दीज क्वेश्चंस आर नॉट फ्रॉम दैट चैप्टर ऑफ द ट्वेल्थ क्लास और इलेवेंथ। दीज द सिक्वेंस एंड सीरीज क्वेश्चन जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो आता है उसमें से है, तो आपको वो वाला तो पढ़ना ही पड़ेगा सिक्वेंस एंड सीरीज की, आप ये कब कन्वर्ज करती है कब डाइवर्ज करती है, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी सब, सो आप कुछ इसका टेंशन मत लीजिए ज्यादा। देखिए आप क्वेश्चन, ये न्यूटन रैप्सन मेथड मैंने आपको बताया था, न्यूमेरिकल मेथड करके एक चैप्टर है मैथ्स में ग्रेजुएशन लेवल पे, उसमें आते हैं बहुत से मेथड्स आपके, न्यूटन रैप्सन मेथड, गॉस मेथड, कूटा रंगा मेथड्स, तो आपके वो सारे मेथड्स जो है उसमें से आता है। ये न्यूटन रैप्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। देखिए ये टेलर सीरीज आ गया आपका, ये आ गया आपका ग्रेजुएशन का जो मैथ्स है उसमें से आ गया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में से आ गया। पैराबोला, हाइपरबोला, ये आपके मैथ्स के नॉर्मल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में से आ जाएगा क्वेश्चन, ये वाला आप देख सकते हैं। यहाँ से आपके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए,
ये स्टार्टिंग में आपके वर्ड मीनिंग टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके लिए आपको थोड़ा वोकैबलरी आना चाहिए। वो जब मैं आपको इंग्लिश शुरू करवाऊंगी तब मैं आपको डेली कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स करवा दिया करूंगी दो चार, जिससे आपकी वोकैबलरी डेवलप होती चली जाए। एंड उसके बाद ये देखिए, ये आपका एक मोस्ट अप्रोप्रिएट फेज आपको चूज करना है इस एक छोटे एक सेंटेंस के लिए। ये एक वन वर्ड टाइप सब्स्टिट्यूशन के जो होते हैं उस तरह का एक क्वेश्चन है। दो तीन क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं। यहाँ से आपको सीक्वेंस में अरेंज करना होगा कि पहले कौन सा सेंटेंस आना चाहिए फिर कौन सा सेंटेंस आना चाहिए। ये आपको चारों सेंटेंस पढ़ के उसके बाद एक जो सेंस डेवलप हो जाए क्वेश्चन में, कुछ एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए पूरा कंप्लीट मिला के सारे पार्ट्स को, उस तरह से इस क्वेश्चन को करने होते हैं इंग्लिश वाले। ये जैसे जैसे आप पढ़ेंगे और वोकैब अपना डेवलप करेंगे उसके साथ साथ ये सब आते हो जाएंगे आपके क्वेश्चन कम्प्लीट। ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो मैं अभी बता रही थी उसी टाइप के क्वेश्चन है कि एक सेंटेंस दिया है अब आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं। ये आपका एक पर्टिकुलर एक स्टेटमेंट दे दी क्रीक इज द साउंड ऑफ, आपको बताना है कि किस चीज की जो साउंड होती है वो क्रीक क्रीक की आवाज आती है। अब क्रो की तो नहीं होती है, क्रो क्रो करके होती है, डॉग की बार बार होती है, क्वाइंस की अलग टाइप की होती है। क्रीक आपने कभी सुना होगा जो गेट्स जब आप बंद करते हैं अगर वो बहुत टाइम उनमें ऑयलिंग डाला गया हो गेट्स के जो जो ज्वाइंट होता है गेट का वहां पे, तो उसमें से ऐसी क्रीक आवाज आती है ज्यादातर। और इस इफेक्ट का ये एक इफेक्ट की तरह भी यूज किया जाता है मूवीज में, आपने हॉरर मूवीज देखी होंगी तो उसमें जब गेट खुलता है तो ऐसी आवाज आती है, तो वही वाला ही। आपके इंग्लिश के हैं ये वर्ड मीनिंग टाइप है वो, और ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव जो है आपका एक क्वेश्चन ग्रामर का, उसमें से आता है, आए हैं कई सारे पांच छह क्वेश्चन शायद इसमें से हैं। ये आपको मैं कराऊंगी एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये आपके फिल अप ब्लैंक्स हैं, ये ज्यादातर आपको या तो कोई एक सूटेबल वर्ड से फिल करने होते हैं या फिर जो आपके पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जो पिछली वीडियो थी आपकी ये पेपर वाली प्रीवियस ईयर पेपर वाली, उसमें बताए थे मैंने आपको आठ पार्ट ऑफ स्पीच है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आए हुए थे फिल इन द ब्लैंक्स वाले उस वाले पेपर में। इसमें तो आपका सूटेबल वर्ड चूज करके जो होना चाहिए उसमें से आया है, तो आपको वो भी याद करने जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच आने चाहिए आपको, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के दो पार्ट ऑफ स्पीच यूज किए थे उस वाले पेपर में। ये अगेन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया एक आइडियम्स के लिए। यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो गया, रीजनिंग इज नॉट टू टफ। आपको मैथ्स आप करेंगे उसके साथ में जो आपका जनरल मैथ्स आएगा टेंथ लेवल तक का, उसके साथ ही मैं आपको रीजनिंग भी कराऊंगी एक बार वो मैथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो। और ये आप देख सकते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आप इनको पॉज करके वीडियो को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई एम वेरी श्योर कि आप इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत ज्यादा ऐसे बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं वाले कि आप ना कर पाए। ये देखिए कुछ कुछ मैथ्स के क्वेश्चन है, ये आपको एक सीरीज दे दी है मैथ्स में, ये रीजनिंग में जाएगा आपका कि मैथ्स या रीजनिंग में आप दे सकते हैं कि आपको ये थोड़ा गैस करना पड़ेगा कि एक से तीन बना फिर दस, तो यहाँ सात का गैप आ गया, दस के बाद इक्कीस आया तो ग्यारह का गैप आ गया, इक्कीस के बाद फिर ये 64 आया तो आई गेस यहाँ पर आपका 33 का गैप आया है क्या 43 का। सच आपको एक सीक्वेंस यहाँ पे डेवलप करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आंसर देना होगा, तो वो आपका प्रैक्टिस से होगा, उसमें आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लें। ये इसको अगर आप ऐसे कोट करते हैं, अंकल को ऐसे कोट करते हैं, बॉय को ऐसे कोट करते हैं, तो फिर सन को कैसे कोट किया जाएगा, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे एस के लिए 5 यूज हुआ है तो एस के लिए आपको 5 देखना पड़ेगा, तो देखिए 5 बस यही है तो आपको एक ही उससे ही आपका क्लियर हो गया। सपोज 5 का और भी ऑप्शन में रहता तो फिर आप देखते ओ के लिए क्या यूज किया है, तो बॉय से ओ के लिए 2 यूज किया गया है तो वो आ गया। अब एन के लिए आप देखिए क्या यूज किया है, तो एन आपका अंकल में आया, यहाँ से एन के लिए आपका 4 यूज किया गया तो 4 ये आ गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं आपको ये सब कराऊंगी, सो नॉट टू वरी। अब हम थोड़ा मैं जल्दी दिखा देती हूँ इसको, अदरवाइज तो वीडियो फिर फालतू लंबी हो जाएगी, और आपको जब देखना हो तो आप इसको पॉज करके देख ही सकते हैं अपने क्वेश्चंस का, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इन क्वेश्चंस को पेपर पे नोट कर लीजिए आप। वैसे तो वीडियो है, जब आपको देखना हो सिर्फ वीडियो चलाइए, क्वेश्चन निकालिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। कहाँ पेपर पे सारे क्वेश्चंस लिखेंगे, इतना फालतू टाइम थोड़ी होता है किसी के पास बार बार उसको लिखना है बैठना। वीडियो चलाइए, देखिए क्वेश्चन और उसको सॉल्व करिए। ये आपके मैथ्स के क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पे, ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना,
इसकी एक सिंपल सी ट्रिक होती है, एलसीएम लेके एंड मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा आपका बन के आ जाता है आंसर, वो बताऊंगी मैं आपको। ये नॉर्मल एलसीएम लेके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, देखने में इतना टफ लगते हैं, इन सब की बहुत इजी इजी ट्रिक्स हैं, मैं आपको वो सारी ट्रिक्स सब करा दूंगी। एक आपको आ जाएगा ना, एक बार समझ में आ जाए बस कॉन्सेप्ट मैथ्स का, तो ये सारे आपको कोई फॉर्मूला वर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादातर ऐसे ही हो जाता है ये वाला सारा मैथ, एक्सेप्ट एलजेब्रा में तो आपको थोड़ा बहुत इक्वेशन वगैरह पता होना चाहिए, बाकी ये जो बाकी का मैथ्स है, प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, ये सारे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें बहुत दिक्कत होती है सबको करने में, वो मैं आपको बता दूंगी किस तरह से किए जाते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका है वो क्लियर हो जाए तो। यहाँ से आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो ये देखिए वर्ल्ड वॉर टू बिगन बाय जर्मन इन्वेजन, सब मैंने वही आपको जनरल नॉलेज में बताया था कि ये 10 नंबर का आना है, और उसमें पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि आप कहाँ तक पढ़ेंगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब ये देखिए वर्ल्ड वॉर टू बिगन बाय जर्मन इन्वेजन ऑन, आपको अब ये वर्ल्ड वॉर टू की स्टोरी पता होनी चाहिए कि वो क्यों शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था, तो पोलैंड के ऊपर अटैक कर दिया था। फिर ये चेलिबिंस्क मैट्योर ने हिट, ये उस वक्त शायद करंट में रहा होगा, ये 2015 का पेपर है ना, लेकिन ये 2013 की न्यूज हो सकता है, 2015 में कुछ इसको फाइंड किया गया होगा, कुछ इस टाइप से हुआ होगा। बाकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी ऐसे क्वेश्चंस में, देखिए जहाँ पे ओ एस आई के विनिस्की ओनेस्की या फिर वाई ए ये बिनेस्क, इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना वो ज्यादातर रशिया से रिलेटेड होते हैं, तो इट्स लाइक अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और ऑप्शन में रसिया है तो आप गैस ले सकते हैं, वो ज्यादातर सही हो जाता है। एजुकेशन डिग्री इन, ये उस साल कुछ न्यूज में रहा था, ये असल में करंट अफेयर जो दिया है 2015 पांच साल पहले जो चीज न्यूज में रही होगी उसमें उसके हिसाब से दिया गया होगा। ये इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय होलसेल प्राइस, होल प्राइस इंडेक्स नंबर, ये भी न्यूज में था, अभी तो शायद वो कंज्यूमर प्राइस करके उसको कन्वर्ट करने का कुछ हो गया है, वो भी मैं आपको पढ़ूंगी। ये नेशनल इनकम आपसे पूछा गया, इसका फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, जीपीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ये देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, क्या क्वेश्चन है ये कि आपको लाइट को क्या अट्रैक्ट करता है, तो लाइट से क्या वर्ड निकला, फोटो, फोटोन्स आपने सुना होगा ना, फोटोन्स इलेक्ट्रो वेव्स में यूज होते हैं, तो वहां उससे आप लगा सकते थे, तो थोड़ा इसमें ना गैस तो आपको करना ही पड़ता है, अगर आप सोचें हम जो रट के जा रहे हैं वही आ जाए तो वो तो कभी नहीं आता है, वो आता ही नहीं है, आप जो पढ़ के आएंगे 100% एज इट इज तो उठ के कभी नहीं आएगा, आपको एलिमिनेट करने पड़ते हैं ऑप्शंस और कुछ ऐसे स्मार्ट गैसेस करने पड़ते हैं, जैसे फोटो लाइट के लिए यूज होता है तो आपका लाइट ही होगा उसका आंसर। अब ये ज्योग्राफी से रिलेटेड आ गया आपका कि इंडिया में से कौन सी रेखा गुजरती है, तो ये कर्क रेखा गुजरती है, ये भी इसको भी याद करने का एक सिंपल तरीका है, बताऊंगी मैं आपको। खैर अब ये आपका पेपर यहाँ का आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है शिफ्ट टू का 2015 का एटीसी का, वो मैंने आपको पेपर का ओवरव्यू दे दिया है किस तरह का पेपर आया है, मैंने आपको साथ में ये भी बताया है कि कौन सा चैप्टर कौन से ज्यादा टॉपिक में से आए हैं, क्वेश्चंस कहाँ से किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया है, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और बाकी मैं इसके हिसाब से मैं अपना स्टडी मटेरियल डेवलप कर लूँ, मैं आपको खुद के हिसाब से पढ़ाऊंगी, दो चार दिन में आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अब अगर आपको ये यूजफुल लगता है बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज इसको आप लाइक कीजिए मेरी वीडियो को एंड मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़े सब्सक्राइबर ज्यादा नहीं आए तो थोड़ा वीडियो को चला पाना वीडियोस को कंटिन्यू रख पाना मुश्किल तो रहेगा ही, तो इसीलिए प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो या आप कुछ कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं या कुछ और सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज उसे कमेंट जरूर कीजिए। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम, मैं यहाँ पे स्टॉप।